बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं YouTube का मुनफिर चैनल HTV पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा फिर अमरीका और अफगानिस्तान तालिबान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अमन मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया है। जो बाइडन की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम 1 मई को अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। 1 मई असल में एक डेडलाइन थी, अमरीकी फोर्सेस को वहां से निकलना था, लेकिन अचानक जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से ऐलान सामने आ गया है। अब मुल्ला ब्रदर ग्रुप ने उनको क्या जवाब दिया, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले YouTube के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक बात याद रखें, अमेरिका ने 20 से 22 साल अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी है। अमेरिका ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास ना तो कोई जमीनी फोर्स है, ना उनके पास असल में कोई असले का सोर्स है, ना उनके पास कोई फजाइया है, ना उनके पास कोई टैंक मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर हार चुका है और अमेरिका ने अपनी हार को तस्लीम किया है। अब भारत और बाकी वो तमाम मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस ना जाएं। जो बाइडन के ऐलान के बाद आज मुल्ला ब्रदर्स ग्रुप ने खतरनाक किस्म का ऐलान किया है। जो बाइडन ने ऐलान किया है कि हम 1 मई को अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारी फोर्सेज यहीं पर रहेगी और मुल्ला ब्रदर्स ग्रुप जो है वो अमन डील के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से 1 मई की जो डेडलाइन थी हमारी फोर्सेस के निकलने की, वो हम नहीं निकालेंगे। मुल्ला ब्रदर्स ग्रुप ने ऐलान किया है कि सब तैयार रहें। सबसे मतलब ये था कि अफगानिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के बाहर भी, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की फोर्सेज और इसके अलावा अमरीकी फोर्सेज, जो बाइडन की इंतजामिया और भारत को भी मैसेज दिया गया है कि अब हम अमरीका को नहीं छोड़ेंगे। और वाजह तौर पर कहा गया है कि अब दोबारा जंग होगी, दोबारा माहौल को उसी अंदाज में हम डील करेंगे जिस तरीके से हम 20 से 22 साल से अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने अमन की बहुत कोशिश की है लेकिन अमरीका अमन नहीं चाहता। नाज़रीन ग्रामी, खतरनाक माहौल पैदा होने जा रहे हैं और दोबारा अफगानिस्तान में वही जंग चढ़ गई है जो अमन डील के जरिए खत्म की गई थी।